स्वागत है आप सभी का HAL टिर्की जी के चैनल पर। तो इतिहास के प्रमुख युद्ध, जी हाँ, जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आइए इसको ट्रिकी अंदाज में याद करें। देखिए पहली ट्रिक क्या है, कैसे याद करना है। देखिए पहले नाटक में डोपले जीता और अंग्रेज हार गए, तो पहले नाटक में कौन जीता? डोपले जीता, अंग्रेज हारे। 1746 1748, ये है ट्रिक। अब इसमें देखिए समझ में क्या आ रहा है, पहले नाटक का मतलब समझना है प्रथम कर्नाटक युद्ध, डुप्ले जीता से समझना है, डुप्ले फ्रांसीसी था, जीता, अंग्रेज हारे, अंग्रेज मतलब रॉबर्ट क्लाइव हार गया था। कब? 1746 से 1748 वाले युद्ध में कौन जीता कौन हारा, आइए इस पर विस्तृत चर्चा करें। देखिए दोनों शक्तियों के बीच पहली बड़ी लड़ाई कर्नाटक क्षेत्र में हुई। इसमें एक ओर फ्रांसीसी गवर्नर डोपले, जी हाँ फ्रांसीसी गवर्नर डोपले, और कर्नाटक का नवाब था, तो दूसरी ओर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ये युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया, जिसमें फ्रांसीसी यानी डोपले जीता और अंग्रेज हारे यानी रॉबर्ट क्लाइव हार गया था। कब से कब तक हुआ यह युद्ध? 1746 से 1748 ईस्वी तक युद्ध हुआ। याद कैसे करना है? पहले नाटक में डोपले जीता, अंग्रेज हारे, तो पहले नाटक का मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में डुप्ले जीत गया था यानी फ्रांसीसी जीत गए थे, अंग्रेज हार गए थे यानी रॉबर्ट क्लाइव हार गया था। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन हारा? रॉबर्ट क्लाइव हारा। कौन जीता? डुप्ले जीता यानी फ्रांसीसी जीत गए थे। तो ये थी शानदार ट्रिक, ट्रिक के साथ व्याख्या भी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर सेकेंड की। जी हाँ, अब देखिए दूसरे नाटक में क्लाइव जीता, डुप्ले हारा। पहले नाटक में क्या था? डुप्ले जीता था और अंग्रेज हारे थे, और दूसरे नाटक में क्लाइव जीता और डुप्ले हारा 1749 से 1754 वाले युद्ध में। यहां से समझना क्या है, देखिए दूसरे नाटक से हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्लाइव जीता यानी अंग्रेज जीत गए थे, डुप्ले हारा यानी फ्रांसीसी हार गए थे। कब? 1749 से 1754 वाले युद्ध में। अब यहां पर देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। ये युद्ध हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा गया। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद पर या नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया, दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फरगंज के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। तो ये था दूसरे नाटक में क्लाइव जीता और डुप्ले हारा, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1749 से 1754 ईस्वी तक लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जीते यानी क्लाइव जीत गया यानी रॉबर्ट क्लाइव जीता, डुप्ले हार गया यानी फ्रांसीसी की हार हुई। अब बात करते हैं तीसरे ट्रिक की। जी हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तीसरा युद्ध देखिए क्या है, तीसरे नाटक में अंग्रेज जीते, फ्रांसीसी हारे। जी हाँ, कैसे भी याद कर लीजिए, देखिए व्याख्या भी किया जा रहा है, साथ साथ ट्रिक भी बताया जा रहा है। तीसरे नाटक में अंग्रेज जीते और फ्रांसीसी हारे। ये युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया। आइए इसके अर्थ को समझें। तीसरे नाटक का मतलब तृतीय कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज जीते यानी रॉबर्ट क्लाइव जीता, फ्रांसीसी हारे यानी कि लैली हार गया। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन जीता? रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज जीते। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन हारा? फ्रांसीसी हार गए थे यानी कि लैली हार गया था। कब? 1756 से 1763 ईस्वी में। कौन सा युद्ध हुआ?
तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अब आइए इस पर विस्तृत जानकारी कर लें। जी हाँ, तृतीय कर्नाटक युद्ध में दोनों यूरोपीय शक्तियों की शत्रुता से फिर से सामने आई। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट दे लाली, क्या नाम था, काउंट दे लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट द्वारा हरा दिया गया था। तो ये थी इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।